हो गया भाई इंटरव्यू, अभी बहुत लड़ाई बाकी है। तुम इतनी खुश दिखोगी तो कैसे? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आपका अपना चैनल पीएम से मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10th जनवरी को रिलीज हुई फिल्म छपाक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म की बजट कितनी है और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार, फिल्म के प्रोड्यूसर थे फोक स्टार स्टूडियो और दीपिका पादुकोण। दोस्तों, इस फिल्म को लिखा है आतिका चौहान और मेघना गुलजार, म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लाय ने, और इस फिल्म की रनिंग टाइम है लगभग 120 मिनट। दोस्तों, इस फिल्म की अगर बात की जाए जर्नल की, तो यह फिल्म काफ़ी रियल आधारित पे स्टोरी पर आधारित है और इस फिल्म की एसिड अटैक पर कहानी पर बेस्ट है। अगर बात की जाए इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट की, तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है फोक स्टार स्टूडियो ने। दोस्तों, ही बात की जाए फिल्म के बजट की, दोस्तों आपको बताते चलें यह फिल्म 40 करोड़ प्लस के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इस फिल्म की कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग में खर्च किया तो लगभग 8 करोड़। टोटल इस फिल्म की बजट होते हैं लगभग 48 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीनिंग की, दोस्तों आपको बताते चलें जब यह फिल्म 10th जनवरी को रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म को इंडिया में स्क्रीन मिले थे लगभग 1800 से 1900। वहीं बात की जाए ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज इस फिल्म को स्क्रीन मिले थे लगभग 500। टोटल इस फिल्म के स्क्रीन होते हैं लगभग 2500। दोस्तों, ऑलरेडी दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की स्क्रीन काफ़ी कम कर दी गई, क्योंकि इस फिल्म को ज़्यादा तक दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। इस फिल्म की स्टोरी और कॉन्टेक्ट में काफ़ी दम था, लेकिन इस फिल्म को आम दर्शक बायकॉट करते नज़र आ रहे हैं, इसलिए इस फिल्म को इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं जितना मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, दोस्तों आपको बताते चलें फर्स्ट डे इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 77 लाख का, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 2 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 50 लाख का, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 3 करोड़ के आसपास। बात की जाए तीसरे दिन हॉलीडे होने के कारण, संडे होने के कारण ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ के आसपास, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 3 करोड़ 15 लाख का। दोस्तों, फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने इंडिया से कलेक्शन किया था लगभग 42 करोड़ 30 लाख का। वहीं बात की जाए आठवें दिन इस फिल्म में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। दोस्तों, आपको बताते चलें चौथे दिन से इस फिल्म में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। चौथे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 50 लाख का, ग्रॉस से कमाया था लगभग 1 करोड़ 20 लाख। दोस्तों, आठवें दिन की अगर बात की जाए, तो आठवें दिन इस फिल्म ने सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख का इंडिया में कलेक्शन किया, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 60 लाख के आसपास। दोस्तों, नौवें दिन और गिरावट देखने को मिली। नौवें दिन इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ का बिजनेस किया, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 55 लाख का। दोस्तों, इस फिल्म के 9 दिनों में इंडिया वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन होते हैं लगभग 43 करोड़ 20 लाख का। और दोस्तों, आपको बताते चलें इस फिल्म को हिट होने के लिए इंडिया वर्ल्ड वाइड से कम 80 करोड़ का बिजनेस कर ये फिल्म हो जाएगी फ्लॉप। दोस्तों, क्या लगता है ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? क्या ये हिट हो पाएगी? क्या तानाजी के सामने टिक पाएगी? जो भी हो, कमेंट जरूर होता है। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद।